अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक गाँव की मंडी में मेरे पहुंचा हूं। आज मैं इस गाँव की मंडी का भी नाम भी बताऊंगा और इस मंडी का क्या नाम है, ये किस जगह पे लगती है और पूरी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको तफसील से आपको बताऊंगा। मेरे भाई वीडियो आपने शुरू से रखना, आपने एंड तक आपने देखनी होगी। आज देखते हैं यार यहाँ के ओरिजिनल रेट क्या निकलते हैं। आज मेरे भाई जो ओरिजिनल रेट होंगे ना डेरा गाजी खां की मंडियों से जब जो आस पास मंडियाँ लगती हैं ना, मैं ओरिजिनल रेट में आपको बताऊँगा। लेना इतना नसीब की बात होती है मेरे भाई। वैसे जहाँ तुम्हें पसंद है और जो मंडी आपके लिए बेहतर हो ना मेरे भाई, आप उसी के आप उसी मंडी से ख़रीदारी कर लिया करें। मैं ये नहीं कहता मेरे भाई आप इस मंडी पे आएँ, ये आपके लिए सबसे बेहतर है। मेरे भाई वीडियो में आपको हर मंडी की अपडेट आपको देता हूँ, हर मंडियाँ दिखाता हूँ मेरे भाई, जो आपको मुनासिब लगे, जो आपके लिए बेहतर जमर मिले, आप उसी से ख़रीदारी करें ताकि आपको फ़ायदा होना चाहिए। आपके शहर से कम अज़ कम ही आपको जमर 10-12 हज़ार 15 हज़ार आपको मुनासिब मिलना चाहिए मेरे भाई। आज दिन भी आपको बताऊंगा, तरीक भी आपको बताऊंगा और इंशाल्लाह पूरी मैं आपको यहाँ पे आपको अपडेट मैसेज मेरे भी आपको पूरी देता हूँ। काफ़ी यार ऐसे यूट्यूबर लोग बहुत हैं मेरे भी जो आपको इनके ओरिजिनल रेट आपको बताते नहीं हैं। मेरे भी लोग आपको व्यापारी के हाथों में लेके देते हैं मेरे भाई, व्यापारी के हाथों में जानवर कभी भी आपको मुनासिब नहीं मिलेगा, महंगा मिल सकता सस्ता नहीं मिलेगा। जानवर लें गाँव के लोगों से लें, जो अपने लेके आते हैं ज़ाती घर के जानवर लेके आते हैं उससे मुनासिब जमर मिल सकता है मेरे भाई, लेकिन व्यापारी से जमर मुनासिब नहीं मिल सकता। लाजम ने मुझसे ख़रीदारी करवाएं और मैं आपको ख़रीदारी करूँ। देखें जिधर आपका दिल मुतमैन है ना, आप उसी से ख़रीदारी करें, उसी से जमर लें। लेना देना नसीब की बात होती है। सिर्फ वीडियो में बताने का, वीडियो बनाने का मकसद ये है, सिर्फ अपने भाइयों को आगाह करना, अपने भाई को इशार करना मेरे भाई। आप अपनी पसंद की चीज़ लें, अपने रेंज के मुताबिक लें। लोग आपको बता देते हैं 30 वाली चीज़ का आपको 45 लगा देते हैं अगले आदमी को, फिर वो आपको महंगी पड़ जाती है मेरे भाई। मजबूरियाँ तौर से आप लेके जाते हैं, फिर आपको अफसोस लगता है यार ये इसने हमारे साथ किया क्या है। आप इतना दूर से इतना 8-10 घंटे का सफ़र करके आते हैं लेकिन मेरे भाई दिल टूट जाता है। आज हम ओरिजिनल रेट निकालते हैं, आपको इंशाल्लाह पूरी मालूम आपको देंगे। ये मंडी कहाँ की है, ये छोटी ज़मीन लगती है मंडी, जगह का नाम है और ये गाँव की मंडी है। जुम्मे वाला दिन है, जुम्मे का दिन है आज 7 तारीख। आज पूरी अपडेट आपको बता दूँ, पूरी बैक कैमरे से मैं आपको मुंदरी भेड़ों की आपको अपडेट आपको देता हूँ। ये देख ले मेरे भी, मैंने आपको बैक कैमरे से भी आपको ये जानवर आपको ये दिखा रहा हूँ मुंदरी भेड़े ना। और मैं अपनी तरफ हूँ किसी भेड़ का भी आपको नहीं बताऊँगा, ये तैयार है जो खाली है और कितने सुबह में। देखो एक मेरी चीज़ है नहीं, साफ बात है, मैं ऐसा बताऊँगा मेरे भी जो अगला आदमी मुझे बताएगा ना ये 3 महीने की है 4 महीने के, उसमें मैं जिम्मेवार हूँगा, गारंटी मेरी होगी। जो अगला आदमी कहेगा ना उसके मुताबिक आगे मैं आपको बात करूँगा मेरे भाई। बाकी आज रेट वगैरह भी देखते हैं, अगर मेरे भाई गोट फॉर्मिंग करनी है ना आप मुंदरी शीफ से गोट फॉर्मिंग करें, इनमें अलहमदा रेट भी आपको मुनासिब इंशाल्लाह मिलेंगे, लेकिन ये सस्ते पैसों में होती है। सस्ते पैसों में एक अच्छी गोट फॉर्मिंग आप कर देते हैं, आप फ़ायदा उठा देते हैं। और ये भेड़ें जो है ना मेरे भाई सख्त है, जल्द के होते हैं, जैसे सर्दी गर्मी में बर्दाश्त कर लेती हैं, भूख वगैरह ये सारा कोई बर्दाश्त कर ले। नए गोट फॉर्मिंग के लिए जो नए बंदा पहली बार गोट फॉर्मिंग करता है ना उनके लिए ये बेस्ट होती है मेरे भी। वैसे आपकी मर्जी मेरे भी, आप जो भेड़े रखें जिस तरह के जानवर रखें ना, जो आपका जेन है ना आप उसके मुताबिक चले, लेकिन ये है काम करने से पहले यार किसी से मशवरा कर लिया करें। अगर आपके बेहतर आपके लिए बेहतर बकरियाँ हों आप बकरियाँ रखें आप, क्योंकि ये हर इलाके में हर जानवर नहीं पा सकता मेरे भाई, कामयाब नहीं है। इनमें मुख्तलिफ जानवर कामयाब होते हैं जो आपके फ़ायदे के लिए होते हैं, वो हम आपको बताएंगे मेरे भाई। आप इसी जानवर से गोट फॉर्मिंग करें, इंशाल्लाह आप कामयाब ही होंगे। बाकी पूरे मैं आपको रेट वगैरह भी इनके पूछ के आपको बताते हैं और पूरी मंडी की मैं आपको तफसील आपको बता दूँ, ताकि आपको पूरी रेट इनकी ओरिजिनल कीमत आपको इनका पता चल सके, आप यहाँ पर आके ना आसानी से ये जानवर आप खरीद सकें। बाकी भाई से रेट वगैरह मेरे भाई कंफर्म करता है पूरी लाटों का और एक एक दो दो का भी रेट, एक एक दो दो का भी रेट आपको पूछ के बताऊंगा। लाटों के हिसाब से रेट पूछूंगा कि, लेकिन लाट के हिसाब से भेड़ महंगी मिलती है, जहाँ एक एक दो दो करके ले तो फिर महंगी मिलती है। अच्छा भजन, ये सबसे पहले ये बताएं ये मंडी कहाँ की है? छोटी जरीन मंडी लगती है। आज दिन कौन सा है? जुम्मे का दिन है। जुम्मे का दिन है मेरे भाई, नहीं आप जो आपको दिन मिलने वाली है। कितनी भेड़े हैं भैया आपके पास? 9 भेड़े, एक कम 10 भेड़े इनके पास माशाल्लाह खड़ी हैं। अच्छा ये गब्बर ने खा लिए हैं यार? दो तीन भी। हाँ जी गब्बर ने आपके सामने। और अच्छा इनके फैन क्या की मांग कर रहे हैं? 55-55 हज़ार कर रहे हैं।
और 55 फाइनल कितने के देंगे? 50,000 की। 50,000 के हिसाब से मेरे भाई आपको लाट ये बता रहे हैं मेरे भाई, इनकी ओरिजिनल कीमत मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इनके ये देख रहे हैं कस्टमर वगैरह लगे हुए हैं और इसलिए थोड़े पेमेंट डिमांड जो है ज़्यादा कर रहे हैं। और ये कितने सुबह में है? दूसरा पहला सुबह, पहला और दूसरा सुबह ये आपके सामने है, पहला और दूसरा सुबह है माशाल्लाह। और इनके ओरिजिनल रज मैं आपको बता देता हूँ, इनके ओरिजिनल रज क्या है मेरे भाई, वो मैं आपको निकाल के देता हूँ मेरे भाई। और इनके ओरिजिनल रज जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ फाइनल, इनके ओरिजिनल मेरे भाई कम में पेशी मेरे भाई ये हैं और 25-27 तक ये है मेरे भी, ये ओरिजिनल रज मैंने आपको बता दिया यहाँ, क्योंकि उनके कस्टमर वगैरह लगे हुए ना मेरे, मतलब सौदा खराब करना कोई फायदा नहीं है मेरे भी, ये ओरिजिनल रज मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके भी रज पूछते हैं और इनकी क्या डिमांड करते हैं, और भी भेड़े हैं पूरी तफसील है आपको बता, वीडियो मुकम्मल देखनी होगी आपने। अच्छा मेरे भाई ये भी देखें, ये भी दो भेड़े हैं अलहमदिल्ला मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, और इसकी भी मैं पूरी अपडेट आपको पूछ के आगे आपको बताता हूँ मेरे भाई, सिर्फ इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में आपको मज़ा आएगा मेरे भाई, वीडियो मुकम्मल देखने की, और ताकि आपको ओरिजिनल रेट आपको आसानी से यहाँ से आपको रेट मिल सकें। ये भी है और दूसरी भेड़ आप ये भी देखें मेरे भाई, आप भेड़ रखें नॉर्मल रखें, रखें इसमें ब्रीडर अच्छी क्वालिटी का छोड़ें ताकि आपको फ़ायदा हो। भाई से डिमांड है इनकी, क्या डिमांड कर दें यार, क्या डिमांड कर रहे हैं? 28,000 यार, इससे अच्छे भेड़े ना वो पीछे 25-25 बता रहे हैं, आप कहते हैं 28,000। हाँ जी, आप व्यापारी हैं? अच्छा व्यापारी से जानवर सस्ता मिलता है या गाँव के लोगों से जानवर सस्ता मिलता है? गाँव के लोगों से 6-7 हज़ार जानवर सस्ता मिलता है, व्यापारी से महंगा मिलता है। आपके सामने है देखिए मेरे भाई, खुद ही ये बता रहे हैं व्यापारी से जानवर थोड़े महंगा मिलता है, गाँव से लोगों से जानवर 6-7 हज़ार 5 हज़ार सस्ता मिलता है। इसीलिए कहता हूँ मेरे भाई व्यापारी से आप जानवर ना खरीद करें, आप गाँव के लोगों से जानवर जो यहाँ पे आते हैं ना, सब मैं यही होगा 300 रुपये इनाम लूंगा इंशाल्लाह, आपकी 100 हज़ार आप खरीदारी करूंगा। ये फाइनल कितने की देंगे? 25,000 के। ये 25 के नहीं है, मजीद कमी पेशी है इसमें, हाय कमी पेशी है यार, मैं आपको बता रहा हूँ ये इतने की 25 की नहीं है, 23,000 के हिसाब से गब्बा ने खा लिया। और देखें आपके सामने प्रणज भेड़ और 23,000 अलहमदुल्ला बता रहे हैं, और 20 और 3 मतलब 23,000 के हिसाब से ये भेड़ एक मिलेगी। देखिए ये यहाँ के ओरिजिनल रेट मैं आपको बता दिए, ये भी भेड़ आपके सामने है और इसकी भी आपने खूबसूरती आप इनका भी हुसन देखना होगा मेरे भाई, हर जानवर का अपना रेट होगा, हर जानवर की अपनी डिमांड होगी, वीडियो मुकम्मल देखने एक ही बात इंशाल्लाह तफसील से आपको बता रहा हूँ। भाई क्या डिमांड कर रहे हैं? 45,000 यार, देने वाली बात करें कितने की है ये? 40 की फाइनल यार, वो देखो 22-23 की वो भेड़े मिलने लगी, आप कहते हैं यार इतने की यार, ये तो अच्छी है, अच्छी है जितना भी अच्छी हो, लेकिन गब्बा ने खा लिया है, गब्बा ने कितना टाइम किया है? 4 महीने की गब्बा ने बता रहे हैं मेरे भाई, और 40,000 की डिमांड करी, ये बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगा भाई। अच्छा मेरे भाई ये भी देखें, ये भी मैं आपको दो भेड़े आपको ये दिखा रहा हूँ, आप ये भी मेरे भाई आपने देखने होगी, चेक करने होगी, और इनका भी आपको ना अपडेट आपको देते हैं और इनकी क्या डिमांड करते हैं मेरे भाई। आपके सामने भेड़े आप इसी तरह की देखें, लेकिन ब्रीडर आप हैवी क्वालिटी का छोड़ें मेरे भाई, आपके पास अगर ज़मीन रकबा है ना मेरे भी, एक आप भेड़ों की गोट फार्मिंग करें इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगर आप ना हर साल में ना आप मुंदरों का सीज़न लगाते हैं, कुर्बानी के लिए मुंदरे खरीदते हैं, आप एक बार भेड़े रखें, भेड़े यही आपके पास होकर बच्चे देंगे आपको, ये ब्रीडर आके जो है ना मुंदरे होंगे ना वो कुर्बानी पर सेल करते रहें, बाकी जो फीमेल होंगे ना वो आप फार्मिंग में बढ़ाते हैं, ऐसा अलहमद कारोबार में इजाफा होता है। बाकी इनकी भी डिमांड लेते हैं, इनकी क्या डिमांड करते हैं यार, क्या डिमांड कर रहे हैं इनकी? फाइनल कितने के देंगे? 27,000 और 27,000 इनके डिमांड करने लगे हैं मेरे भाई। और ये गब्बा ने खा ली है कितना टाइम की? 4 महीने की, और 27,000 की मिलने लगी है, और 3 महीने की भी आपके सामने रेट मालिक से पूछ के बता रहा हूँ मेरे भाई। और ये आपके ओरिजिनल रेट है, ये मजीद भी इसमें कमी पेशी हो जाएगी? 50,000 की दोनों, देखिए माशाल्लाह गब्बन प्रणज भेड़े 50,000 की, ये दो भेड़े माशाल्लाह, ऐसे भेड़े अगर ऐसे मुनासर में लेनी है ना हमसे एक बार रब्ता करें, इसमें मजीद में इंशाल्लाह मेरे भी कमी पेशी हो जाएगी। बाकी देखिए मेरे भी जो यहाँ पे जानवर आते हैं ना, यहाँ पे असकार ना ज़्यादा गाँव के लोग लेके आते हैं ना, यहाँ पे जो लोग ने लाटे रखी हुई हैं मतलब 50-50, 70-70 ना, ये वो लोग लेके आते हैं यहाँ पे, अलहमदिल्ला रेट जो मिलता है सबसे ज़्यादा मुनासिब अलहमदिल्ला अच्छा रेट मिलता है, मुझे यहाँ के रज बहुत ही पसंद हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी चीज़ मुनासिब रज में यहाँ पे चीज़ मिल जाए, आपने मेरे भाइयों को फ़ायदा हो जाए मैं बड़ा खुश होता हूँ मेरे भाई, क्योंकि देखो मेरी चीज़ तो नहीं है मेरे भाई, मेरी जेब में पैसे तो नहीं आने, लेकिन आपको यही कहता हूँ मेरे भाई जहाँ आपका दिल करे आप उधर से खरीदारी करें, ये भी कमी पेशी मेरे भाई आपको 23-24 तक ये भी मिल जाएंगे, और मेरी रेंज यही है, इस रेंज तक ये मिल जाती है मेरे भाई, और भेड़े होते भी यही रेंज तक है।
23 25 27 28 तक, ज़्यादा से ज़्यादा नस्ली भी भेड़ 30,000 से इसके ऊपर रेंज नहीं होती मेरे पे। ये यहाँ के उर्जियन रेट में आपको बता लगा, इस रेट पे यहाँ पे भेड़ें आसानी से मेरे पे आके मिल सकती हैं। आप आए इंशाल्लाह यूसुफ भाई के अच्छे आदमी से रब्ता करेंगे, अच्छी चीज़ आपको मिलेगी, जिम्मेवार आदमी से रब्ता करें इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। बाकी उम्मीद है मेरे भी मैंने आपको अच्छी वीडियो बना के दिखाई होगी। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि आगे मजीद भी आपको ऐसे दिलचस्प वीडियो दिखाता रहूँ।